हमारी जो पटेल नवनिर्माण सेना के द्वारा आयोजित पांच महासभाएं पटना में है, नालंदा में है, मुजफ्फरपुर में है और भगवा में भी है, तो वहां पर हमारी रैलियां होगी बड़ी, लेकिन हम किसी के समर्थन में नहीं करेंगे रैली। और दूसरी बात कि जिस प्रकार चला हुआ था कि नीतीश के समर्थन में, तो हम नीतीश कुमार हमारे समुदाय से इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे, हम जेडीयू का नहीं करते, हम नीतीश कुमार का करते। जरूरत है, झारखंड में एनसीटी लागू किया गया है जो जमीन की वैल्यू को पूरी तरह से कम कर दिया है, वो जाति ही जो एनसीटी में है उनको ये जमीन बेच सकते हैं। झारखंड जहाँ सोने की जमीन है वहां पर लोग भीख मांग रहे हैं हमारे समुदाय, इसलिए उनको जरूरत है, इसलिए हम उनके लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और हमारे जो आरक्षण की मांग है वो सही तौर पर हमारे समाज के विकास के लिए हम मांग रहे हैं। आरक्षण हटाने की कि आर्थिक धोरण पर हम मांग करने की आज तक हमने बात नहीं कही। महत्तम बात, गुजरात के अंदर आरक्षण क्लियर क्यों है? गुजरात के अंदर हम 27% जो ओबीसी है उसमें हम मांग कर रहे हैं, अलग से हम आरक्षण की मांग नहीं कर रहे, वो डेफिनेटली क्लियर है गुजरात के लिए, झारखंड के लिए, आंध्रा के लिए। ये है जो तेलंगाना में 3 बार उन लोगों को ओबीसी में लिया गया था, बाद में 3 बार निकाला गया। झारखंड में 1931 तक जो हमारे कुर्मी भाई थे वो सीनियर ट्राइब में आते थे, उनको बाद जवाहरलाल नेहरू तत्काल वडाप्रधान ने कहा कि गलती से उनको निकाला गया है, हम पूरी समीक्षा करके उनको वापस लाए। जोड़ने की बात करते हैं, हमें कई लोगों ने, मान लो कि हरियाणा से हमारे जो कई लोग जाट भाई थे उन्होंने भी हमें सहयोग मांगा था, हम नहीं आ पाए उनकी रैली में। सब लोग हमें सहयोग मांगे तो सबसे सहयोग करेंगे, उसमें कोई तोड़ने की बात ही नहीं। कल कोई मुसलमान भाई हमसे कहेगा कि हमारे लिए लड़े तो हम उनके लिए लड़ेंगे, यहाँ पर समानता की बात। पहली मांग हमारे समुदाय से जहाँ से मैं पैदा हुआ उनकी बात है, अगर कल कोई और समाज हमारे से हमसे सहयोग मांगेगा तो हम लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार है। आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी समीक्षा होनी चाहिए कि पिछले 60 साल से हमने आरक्षण दे रखा है तो उस पर हम विकास कैसे कर सकते हैं, आरक्षण जिस जाति को दिया गया है तो उस जाति को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, उस बात पर समीक्षा होनी चाहिए, नहीं कि आरक्षण हटाने की बात पर।